देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त झटका लगा है। जिस तरह से वो ईडी के माध्यम से सत्ता को अपनाना चाहती थी और उस अपनाने के क्रम में एक षड्यंत्र रच करके एक स्वतंत्र एजेंसी को गुलाम बना करके और कोशिश किया कि हेमंत सोरेन को जेल भेज करके उनके राजनीतिक कैरियर, जो एक ऐसे व्यक्ति का बेटा जिसने हमेशा महाजनों के खिलाफ लड़ी, इसका सीधा मतलब महाजन मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके बेटे को कैसे षड्यंत्र करके हटाया जाए, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान देते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह के हालात हुए हैं लोकसभा में, उनको पता है कि विधानसभा में उससे भी बुरा होने वाला है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके बातों पर कोई विशेष तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर आश्चर्य तो चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, अब आप लोगों ने पूरी तरह सेलेक्ट कर लिया कि हम आप लोगों के नेता नहीं सकते। देखिए, घटनाक्रम ऐसा रहा कि षड्यंत्रकारियों के दबाव में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा देना पड़ा था आज से 5 महीने पूर्व, और उन्होंने यह निर्णय लिया था और सभी गठबंधन के साथियों ने कि हमारे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे। अब जब उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है, लगभग सारी बातें मीडिया के समक्ष भी है, माननीय उच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है वो किसी से छुपा नहीं है, उसके बाद सभी गठबंधन के साथियों का और माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का भी एक मत था कि आपको जो आपने जो जिम्मेदारी दी थी और वो आप अब वापस आ गए हैं, तो ऐसे में आपको जिम्मेदारी अपनी वापस लेनी चाहिए। और उस निमित्त बैठक हुई, सभी गठबंधन के साथियों ने तय किया कि चंपई सोरेन जी के बाद आदरणीय हेमंत सोरेन जी विधायक दल के गठबंधन के विधायक दल के नेता होंगे, और उस निमित्त हम लोगों ने उनके साथ जाकर के चंपई सोरेन जी ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया और साथ ही साथ दावा पत्र हम लोगों ने सौंप दिया है। अब कल राज्यपाल महोदय का जो भी निर्देश प्राप्त होगा उस अनुसार काम होगा। राज्यपाल महोदय ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी चंपई सोरेन जी को दी है। राज्यपाल ने अभी टाइम दिया, अभी कोई टाइम की नहीं दिया है, कल वो जब निमंत्रण पत्र देंगे, न्योता देंगे सरकार बनाने का, शपथ ग्रहण का, तो उस समय हम लोग तय करेंगे किस दिन शपथ ग्रहण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।